हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीनस पाइप एंड ट्यूब से रिलेटेड। शेयर को बताने के पीछे का क्या रीजन है, ओके, इसके फंडामेंटल कैसे हैं, और ये शेयर ऐसा शेयर है जिसने आई थिंक कुछ महीनों में, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कह सकते हैं कि विद इन अ ईयर आपके पैसों को डबल से ज्यादा किया है। तो आज इसी से रिलेटेड बातें करेंगे, इसे देखेंगे कि एग्जैक्टली इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न कैसा है, क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और जितना हो सके सीखने की कोशिश करनी है, ओके। और सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, सीख हम आप हमारी वीडियो से भी सकते हैं, एज वेल एज आपको पता है हमारा एक कोर्स चलता है जहाँ पर हम टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल बेसिक्स टू एडवांस सिखाते हैं, एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट और थोड़ा बहुत उसमें ऑप्शन का भी तड़का मारते हैं। इस कोर्स को यहाँ पर करने के बाद आप किसी भी मार्केट में, किसी भी सेगमेंट में, वर्ल्ड में कहीं पर भी कोने में जाके आप इस किसी भी मार्केट में यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इसके जरिए। 8860540501 8169261037 इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए, पॉज करके सेव कर लीजिए ताकि चीजें समझ में आए। फीस कितनी है? 17,500, ये ओल्ड फीस थी, ओके। बैच कोई है नहीं, 1-to-1 मैं सिखाता हूँ, तो 17,500 में यहाँ पर मैं आपको सिखाता हुआ नजर आता हूँ। काफी लोग, काफी वीडियोस यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ, देखिए ये भी एक वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर एक फीडबैक वीडियो ये है, तो फीडबैक वीडियो एक ये, फीडबैक वीडियो एक ये, तो दो दो वीडियो यहाँ पर आपके लिए डाली जा चुकी है। एज वेल एज आपको पता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके, जिसका चार्जेस कितना है, 1,000 रुपीज पर मंथ, जहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिए जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस ये है वेल्थ क्रिएटर्स, 5%, 4%, 4%, 3%, 4%, ओके, एज वेल एज यहाँ देखिए ये 4%, यहाँ पर एक स्टॉक्स इन फोकस या चार स्टॉक्स दिए थे 3 डेज बैक शेयर स्टॉक्स, और यहाँ पर देखिए 6% एक भागा, 5% एक भागा, 4% ये भागा, 4% ये, 4% ये, 4% ये, एज वेल एज यहाँ देखोगे 3%, 4%, ओके, ये स्टॉक्स पुराने वाले, 4%, 4%, 6% अप, 5% अप, एंड यहाँ पर मैंने लिख भी रखा आप कितना यहाँ पर डालू, तो एंड लिस्ट इज लॉन्ग स्टॉक विच आर सजेस्टेड विद यू ऑल। तो यहाँ पर ये ऐसे स्टॉक्स दिए जाते हैं जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बट वहां पर भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, सिंपली अच्छे स्टॉक्स आपके लिए पेश करते हैं। एज वेल एज जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, ओके, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का वो, या उससे भी ज्यादा, तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए एक प्रीमियम सर्विस हमने यहाँ पर चालू कर रखी है, वो आ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, सबसे पहले वीनस पाइप एंड ट्यूब्स की हम बातें करेंगे। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं इज अ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, ओके, यहाँ पर किसकी बातें हो रही है, पाइप्स और ट्यूब्स की बात हो रही है, स्टील के पाइप्स की बात हो रही है, स्टेनलेस स्टील्स की, ओके, और ये कंपनी क्या करती हुई नजर आती है, टू ब्रॉड कैटेगरीज में काम करती है, सीमलेस ट्यूब्स एज वेल एज पाइप एंड यहाँ पर वेल्डेड ट्यूब एंड पाइप्स अंडर द 5 कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, नेमली स्टेनलेस स्टील हाई पीसेस एंड हीट एक्सचेंज एक्सचेंजर ट्यूब एंड स्टेनलेस स्टील, हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स स्टेनलेस स्टील, और अलग अलग यहाँ पर ये पाइप से रिलेटेड कंपनी बनाती हुई नजर आती है। जाइए एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिए, आपको पता चलेगी किस तरीके के पाइप्स है एज वेल एज इनके यूज कहाँ है। देखिए भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है तो उसका फायदा क्या हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहां पर ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, तो अच्छे खासे प्रोडक्ट्स है। आप चाहे तो एक एक करके यहाँ पर इनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कौन कौन से पाइप है, कौन कौन से यहाँ पर सारी चीजें है, एज वेल एज इनके क्लाइंट्स की बात करूँ तो जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर है कंपनीज है वो इनके क्लाइंट है। यहाँ पर देख लीजिए इंडस्ट्री एज क्लाइंट्स आउट ऑफ 58 क्लाइंट्स आर बेस और बेस आउट ऑफ द फॉर्च्यून, तो हम बात करें अच्छे खासे इनके क्लाइंट्स है, और मैं 58 क्लाइंट ऐसे है जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती है ना वो इंडिया की, ओके, एज वेल एज यहाँ देख सकते हैं अडानी ग्रुप, LT, अमूल, ITC, सिप्ला, एशियन पेंट्स एटसेट्रा इनके यहाँ पर क्या है कस्टमर्स है, एज वेल एज न्यू कस्टमर्स 2022 में जोड़े हैं, जिनमें हम बात करें ऑस मेटल स्टील सॉल्यूशन, ये जर्मनी के है,
टेक्ने पर इंडिया लिमिटेड, नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड, जेके पेपर लिमिटेड, हाइकल्स और बहुत सारी लिस्ट है। यहाँ पर 7-8 पे आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। ओके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कंपनी करती हुई नजर आती है। तो हम बात करें कंपनी की, तो पाइप से रिलेटेड काम है, काफी बेहतरीन काम है। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, 1513 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी 17 का है, इसका 39 का है। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन यहाँ नजर आती है। 18% का कंपनी के ऊपर डेट है, कोई यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है। 775 का हाई है और उसी के आसपास शेयर यहाँ पर चल रहा है। देखिए शेयर अभी आया था फिलहाल, ओके हम बात करें तो मई 2022 में, एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है और एक साल के अंदर अंदर ये पैसे आपके डबल कर चुका है और एक टाइट रेंज में यहाँ पर काम कर रहा है। जो हम टेक्निकल पे चलेंगे तब बातें करेंगे। एज वेल एज बात करूँ ईयरली परफॉर्मेंस की, तो ईयरली परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन नजर आता है। यहाँ आप देख सकते हैं 136 करोड़ रुपीज की सेल्स है, एज वेल एज नेट प्रॉफिट 18 करोड़ रुपए का है, जो कि ईयरली क्वार्टरली और पिछले जितने भी यहाँ पर क्वार्टर का रिजल्ट दे रखे हैं उनमें सबसे हाईएस्ट एवर यहाँ पर कंपनी के नंबर आ रहे हैं। ओके, एज वेल एज देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13% का है, जो कि यहाँ पर कब एक साल पहले था और जो क्वार्टर बेसिस पे था उससे भी ज्यादा यहाँ पर नजर आता है। कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, बेहतरीन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी की काफी बेहतरीन है, 4 करोड़ से 39 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है यहाँ पर 3-4 साल में। और यहाँ पर रिजर्व्स कंपनी का देखिए, कहाँ 3 करोड़ के रिजर्व 2019 में, 22 में कितने हो गए 278 करोड़ के रिजर्व्स। बोरिंग 15.83 करोड़ की बल्कि घटती हुई नजर आ रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में 29 करोड़ रुपीज खर्च कर रखे हैं और जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा दोबारा सेल्स बढ़ेगी, दोबारा कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे, दोबारा यहाँ पर प्रॉफिट रेशियो बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंपनी है 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और कैश की बात करें तो 70 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक साल के लिए लॉक इन पीरियड रहता है, जैसे कि एक साल कंपनी का हुआ नहीं है, शायद एक साल बाद जैसे ही कंप्लीट होने वाला होगा उस टाइम यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे, उस टाइम शायद शेयर बिस्ते हुए नजर आए। बट पॉजिटिव चीज यहाँ पर देखिए कि 48.2% के शेयर एज इट इज बने हुए प्रमोटर्स के, बट एफआईज की यहाँ होल्डिंग देखेंगे जैसे सितंबर में 0.67 थी, अभी 5.8 हो गए, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है। डीआईज की बात करें वो हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ रही है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास से ये शेयर यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे, तो यहाँ पर अच्छी बात है। और 37% के शेयर पब्लिक के पास है और उनमें से यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो लगभग 15% के शेयर हमें यहाँ पर नजर आते हैं, 15-16% के, जिन्हें आप यहाँ से घटा देते हैं तो लगभग लगभग 20-21% के शेयर ही आपको यहाँ पर मार्केट में लिस्टेड दिखाई देते हैं। और कुछ चीजें पढ़नी है तो पीपीटी पे चले जाइए। ओके, और यहाँ पर इन्होंने अपनी 2 दिन के लिए विंडो क्लोज कर रखी है। क्यों कर रखी है, क्योंकि इनके क्या आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, तो रिजल्ट किस डेट को आएंगे उसका अनाउंसमेंट होगा। ओके, उसमें यहाँ पर आपको पता चलती हुई नजर आएगी। अब बात करेंगे यहाँ पर इसके चार्ट्स की, बट उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी, और इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप एज वेल एज इस कोर्स को आप कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप एक हीरा बन के निकलेंगे स्टॉक मार्केट्स के लिए, कि स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ देखिए शेयर ने अच्छे खासे रिटर्न 330 से यहाँ पर पैसा आपका दुगने से भी ज्यादा हो गया। चीटे गिरी और एक टाइट रेंज में यहाँ पर काम हो रहा था। क्या हो रहा है, टाइट रेंज में यहाँ पर आप देखेंगे, टाइट रेंज मतलब एक बिल्कुल ही कंसोलिडेशन, ना तो ज्यादा भाग रहा है ना ही गिर रहा है, एक बिल्कुल ही कंसोलिडेशन। फीस ऊपर की बात करूं तो ऊपर 740, नीचे की बात करूं तो 715 रुपए, मतलब 20-25 रुपए की रेंज में काम हो रहा था और आज वो रेंज यहाँ पर ब्रेक होती हुई नजर आई और 755 रुपए तक ये शेयर यहाँ पर गया, ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आया और अभी भी ये उसके ऊपर यहाँ पर ठहरा हुआ है। अगर ये शेयर यहाँ पर ठहर जाता है, रुक जाता है थोड़ा सा, या फिर अब थोड़ा सा अगर वेट करे तो इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, 750 को एक बार क्रॉस करने दे। ओके, वहां पर अगर चीजें आती है तो यहाँ पर तब लीजिएगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा 2-4-5 रुपए का और फिर यहाँ पर एंट्री करिएगा, चीजें भागती हुई नजर आएगी। और सबसे पहले टारगेट 7676 के जो यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे, 775 के आसपास, और जैसे ये लेवल भी क्रॉस करेगा तो दोबारा यहाँ पर चीजें भागती हुई नजर आ सकती है। वॉल्यूम जो बिल्कुल ही ड्राई अप पड़े थे वो यहाँ पर आज की डेट में बढ़ते हुए नजर आए, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल बताता है। एफआईज ऑलरेडी यहाँ पर बायर है, ओके, डीआईआईज यहाँ पर ऑलरेडी है, ओके, तो यहाँ पर
क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर सब चीजें अच्छी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं इस पर्टिकुलर शेयर में। ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस है, रिस्क भी ज्यादा नहीं है। अगर अभी भी खरीदते हैं तो एक छोटा सा 30-40 रुपए का आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो 2-4-5 रुपए का रिस्क लेके फिर यहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं। तो उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है जो देखना होता है कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन क्या चल रहा है, प्राइस का एक्शन वॉल्यूम के अगेंस्ट क्या चलता है वो नजर आ रहा है। अगर उन सब चीजों को जानना है तो यहाँ पर हम आप हमारी कोर्स में जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगी स्टेजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जितनी भी स्टेजेस होती है 4, वो सब सिखाया जाएगा पूरा एकदम। जब कह रहा हूँ कि यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर से निकलते हुए नजर आएंगे स्टॉक मार्केट्स में, और अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।